दोस्तों, अगर आप भी सेकेंड हैंड आईफोन लेने की सोच रहे हो तो कुछ जो चीज़ें होती हैं ना वो चेक करना काफ़ी ज़रूरी होती है। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ आपको। एक तो मतलब बैटरी हेल्थ चेक कर लेना है, ऊपर से जो सिंगल क्रैक वगैरह होते हैं वो तो आप आराम से चेक कर ही सकते हो बाहर से ही। आपकी मोबाइल की जो बॉडी होगी ना वो तो अच्छी होनी ही चाहिए अगर उसमें, तो ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला आपको बिल भी दे रहा है ना, तब भी आपको मोबाइल की जो डेट है वो चेक कर लेना है कि कब खरीदा गया है। तो वो कैसे चेक करना है आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा बैटरी हेल्थ भी आपको ज़रूरी चेक करना है। तो चलिए मैं बैटरी हेल्थ चेक करके देख लेते हैं आप कितनी है कितनी नहीं है। बैटरी हेल्थ में जाके यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर 85 बैटरी हेल्थ बची हुई है मेरी। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हो सामने वाले मोबाइल की डेट चेक करना, तो सिंपली आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और सामने वाले के मोबाइल में, जिस मोबाइल में भी आपको, जिस मोबाइल को भी लेना है ठीक है, उसमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एप्पल सपोर्ट, माय एप्पल सपोर्ट करके, ठीक है, एप्पल सपोर्ट, यहाँ पर आप माय एप्पल सपोर्ट करके जो सर्च कर लीजिए। सर्च करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट को ओपन करिए। यहाँ पर सिंग इन टू माय सपोर्ट पर क्लिक करिए। आपको सामने वाले की एप्पल आईडी से इसमें लॉगिन कर लेना है। एप्पल आईडी से लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब मोबाइल में खुली रहेगी। तो फर्स्ट टाइम खोलोगे तो आपको फेस टाइम या पासवर्ड मांगा जाएगा, ठीक है। तो फेस आईडी से आपकी लॉगिन हो जाएगी। जस्ट 2 मिनट लगते हैं यहाँ पे चेक करने में कि अगर ये एप्पल हमारा मोबाइल कब ख़रीदा गया, तो इसकी एग्जैक्ट डेट कितनी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा मॉडल नहीं है ये, ठीक है, ख़रीदने से पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। आपको बिल वगैरह तो फालतू फेंक भी दे देते हैं लोग बाग। इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर देख सकते हो 23 मार्च मेरी परचेज डेट है, ठीक है, 23 मार्च 2021। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि इतना पुराना मोबाइल मेरा है। इसके अलावा आपको सेटिंग में जाके मतलब कि स्टोरेज वगैरह चेक कर लेना है सामने वाले के, और उसके बाद आपको ये मोबाइल चेक कर लेना है कि सामने वाले को एप्पल आईडी का पासवर्ड पता है वे कि नहीं है, क्योंकि उससे लॉग आउट होकर ही मोबाइल को लेना है। नहीं तो अगर आपको वो ऐसे ही मोबाइल दे देगा विदाउट एप्पल आईडी लॉग आउट किए बिना, तो वो आपके किसी भी काम का नहीं है, सामने वाले के अगर एप्पल आईडी का पासवर्ड याद नहीं है तो, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।